हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रविश। एनएन स्पोर्ट्स में आज मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं भारतीय क्रिकेट टीम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर कपिल देव के बारे में और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर के पापा यानी कि युवराज सिंह के पिताजी योगराज सिंह के बारे में। आखिर योगराज सिंह और कपिल देव के बीच में क्या कुछ गड़बड़ है? आखिर इन दोनों के बीच में हमेशा ऐसी बयानबाजी योगराज सिंह की तरफ से क्यों आती है जिनसे ऐसा लगता है कि शायद कपिल पाजी ने या कपिल देव जी ने उनका करियर खराब किया या उनका करियर तबाह किया? योगराज सिंह क्या वाकई में इतने बड़े क्रिकेटर थे कि उनको बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेलने चाहिए थे या वनडेज इंडिया के लिए खेलने चाहिए थे? क्या उनके खिलाफ वाकई में साजिश हुई थी? क्या उनके खिलाफ कपिल देव ने कोई गेम किया था जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए? क्या योगराज सिंह भी इक्वली कॉम्पिटिटिव थे? क्या योगराज सिंह वाकई में इतने बड़े ऑलराउंडर थे या इतने बड़े गेंदबाज थे कि कपिल देव उनसे जलते थे और उनको आगे नहीं आने देना चाहते थे? इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज आपको मिलेंगे हमारे इस कहानी सेक्शन में। तो बात आज हम करेंगे कपिल देव एंड योगराज सिंह की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कपिल देव जो कि भारत के ग्रेटेस्ट कैप्टन हैं, ग्रेट कैप्टन हैं, 1983 का वर्ल्ड कप हमने उनकी कप्तानी में जीता, 1986 इंग्लैंड में सीरीज जीती 2-0 से। दोस्तों अगर बात की जाए तो 131 टेस्ट मैच कपिल देव ने खेले, 434 विकेट लिए और एक वक्त में हाईएस्ट जो विकेट टेकर का जो रिकॉर्ड था वो महान कपिल देव के नाम था। लेकिन दूसरी तरफ योगराज सिंह भारत के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल पाए, 6 वनडे में उन्होंने शिरकत की और टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस की बात की जाए तो सिर्फ 30 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले। तो क्या वो खिलाड़ी जो आरोप लगाता है दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जिसने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला और दूसरा खिलाड़ी जिसने 131 टेस्ट मैच खेले उस पर आरोप लगाता है कि उसने मेरा करियर तबाह कर दिया, क्या वो बात सच है? नजर डालते हैं योगराज सिंह एंड कपिल देव की कॉन्ट्रोवर्सी में। तो चलिए दोस्तों अब योगराज सिंह की बात करते हैं। योगराज सिंह आप जानते हैं युवराज सिंह के पिता हैं और हमेशा अपनी बयानबाजियों से सुर्खियों में रहते हैं, खासकर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत सारी बयानबाजियां योगराज सिंह अक्सर करते रहते हैं और एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं होता तो मैं धोनी को थप्पड़ भी मार देता। ये वो इंसिडेंस था जब भारत की एक बड़े टूर्नामेंट में हार हुई थी और महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो वो मुस्कुरा दिए थे, उसे योगराज सिंह बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अगर होता तो मैं महेंद्र सिंह धोनी के थप्पड़ मार देता जिस तरीके से वो हंस रहे थे। यहां तक कि योगराज सिंह तब भी बहुत ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी पे गुस्सा हुए थे जब युवराज सिंह का नाम 2015 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं आया था और इसके लिए भी योगराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेदार ठहराया था और तब से ऐसा लगता है कि वो उनसे बहुत बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और हमेशा से उनके खिलाफ ऐसे बयान देते रहते हैं जो कि धोनी के फैंस को नागवार गुजरते हैं या जो कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ साल पहले एक सीरियल शुरू हुआ था जिसका नाम था सच का सामना। इस सच का सामना में विनोद कांबली आए थे। विनोद कांबली भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने दो दो दोहरे शतक भी लगाए हैं टेस्ट मैचेस में, 50 का उनका एवरेज भी है और सचिन तेंदुलकर के बहुत ही अच्छे दोस्त। सच का सामना में विनोद कांबली ने एक बार कहा कि जितनी मदद उनकी सचिन तेंदुलकर ने करनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं, और ऐसा कहने के बाद पूरे देश की क्रिकेट में हंगामा मच गया था, भूचाल आ गया था कि क्या वाकई सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली की मदद नहीं की या फिर विनोद कांबली की हरकतें ही ऐसी थी कि उनको इंडियन टीम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड बहुत सारे जो पत्रकारों से जो मैंने बात की और जो मैंने खुद भी देखा था कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत कुछ किया था विराट कोहली के लिए। एक बार तो जब टीम में श्रीलंका दौरे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का सिलेक्शन हो गया था और सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, वो चाहते थे कि विनोद कांबली उस दौरे पर आए और यहां तक सचिन तेंदुलकर ने कह दिया था कि उनको बी टीम दी गई सिर्फ विनोद कांबली के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि विनोद कांबली के साथ उनकी दोस्ती कितनी अच्छी थी और फिर विनोद कांबली ने उन पर आरोप लगा दिया और इसके बाद सचिन और विनोद कांबली की काफी दिनों तक बातचीत नहीं चली। जब उनके गुरु रमाकांत आचरेकर की एकेडमी में एक प्रोग्राम था तब दोनों वहां पर नजर आए थे और तब दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, अदरवाइज उन दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। इसी शो के बाद योगराज सिंह ने आरोप लगाए कपिल देव के ऊपर कि कपिल देव ने उनके क्रिकेट करियर को एक तरीके से खत्म कर दिया या कपिल देव की वजह से उनका क्रिकेट करियर जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। यह आरोप वो खिलाड़ी लगा रहा था जिसने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, यह आरोप वो खिलाड़ी लगा रहा था जिसने सिर्फ 6 वनडे खेले थे, यह आरोप वो खिलाड़ी लगा रहा था जिसने 30 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। योगराज सिंह ने 80 और 81 के दौर में सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट खेला था, वहीं उन्होंने डेब्यू किया था जिसमें उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी और वो काफी एक्सपेंसिव भी साबित हुए थे बॉलिंग की जहां तक बात है। देन टेस्ट मैच भी वो एक ही खेल पाए और उसमें भी वो कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी।
उनका ये मानना था कि शायद 1983 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में अगर कपिल देव चाहते तो शायद उनका नाम लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है योगराज सिंह ने जैसे ही सच का सामना का सचिन एंड विनोद कामली वाला एपिसोड आया था उसके बाद उन्होंने भी बयान दे दिया कि कपिल देव ने भी मेरा पूरा साथ नहीं दिया था, कपिल देव अगर मेरा साथ देते तो मेरा करियर काफी आगे बढ़ सकता था। आप जानते हैं कि हरियाणा एंड पंजाब के लिए वो क्रिकेट खेला करते थे, योगराज सिंह एक फास्ट मीडियम बॉलर थे, काफी अच्छी गेंदबाजी उनकी उस दौर पे हुआ करती थी, लेकिन क्या वाकई वो इतनी अच्छी थी? क्या कपिल देव जैसा खिलाड़ी उनके करियर को प्रभावित कर सकता है? इसी के कुछ दिनों के बाद योगराज सिंह ने एक बहुत बड़ा आरोप कपिल देव के ऊपर लगाया और उन्होंने कहा कि कपिल देव जो हैं वो सचिन तेंदुलकर की पॉपुलैरिटी से जलते हैं और इसीलिए वो कभी सचिन तेंदुलकर की तारीफ नहीं करते हैं। योगराज सिंह का कहना था, जो उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था, वो ये कहना चाहते थे कि कपिल देव एक बहुत बड़े स्टार थे लेकिन सचिन तेंदुलकर उसके बाद उनसे भी बड़े स्टार पैदा हो गए जिसकी वजह से कपिल देव को उनसे जलन होती है। शायद उनके स्टेटमेंट के पीछे उनकी खुद की जलन थी जो वो कपिल देव पर आरोप लगा रहे थे और इसीलिए उन्होंने कपिल देव को टारगेट किया और ये बोला कि सचिन तेंदुलकर की पॉपुलैरिटी से वो जलते हैं। इसके बारे में दोस्तों कई बार युवराज सिंह से भी बात की गई तो युवराज सिंह ने कहा कि जब धोनी के आरोप लगते थे उनके ऊपर कि धोनी ने उनके साथ गेम कर दिया या पॉलिटिक्स कर दी, तो युवराज सिंह बड़ा बैलेंस आंसर देते थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते, भावनाओं में वो ऐसा बोल देते लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ समय के बाद दोस्तों युवराज सिंह को काफी कुछ समझाया गया और युवराज सिंह का थोड़ा सा बदलाव आया, उनका ख्याल बदले और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो चंडीगढ़ का जो सेक्टर 16 स्टेडियम है वो कपिल देव के नाम पर होना चाहिए। ख्याल जरूर उनके बदले लेकिन क्या वाकई उनके आरोपों में सच्चाई है? दोस्तों मैंने जितने एक्सपर्ट से बात की और मैंने जितने पूर्व क्रिकेटर से बात की उनका ये कहना है कि इन ये जो आरोप योगराज सिंह ने कपिल देव के ऊपर लगाए इन पे कोई भी सच्चाई नहीं थी। योगराज सिंह सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, क्योंकि योगराज सिंह को कोई जानता नहीं है, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ यही है कि वो युवराज सिंह के पिताजी हैं, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, योगराज सिंह ने कपिल देव पर ऐसे आरोप लगाए थे। अगर आप देखें योगराज सिंह पंजाबी फिल्मों में काफी ज्यादा एक्टिंग करते हैं और हिंदी फिल्मों के जो लोग थे वो तो उनको इतना जानते भी नहीं थे। जब भाग मिल्खा भाग आई तब उनको पता लगा कि योगराज सिंह जो कि युवराज सिंह के पिताजी हैं वो एक्टर भी हैं और हिंदी फिल्मों में एक्टिंग उन्होंने की। भाग मिल्खा भाग में जो देखा गया था कोच बने थे जो मिल्खा सिंह के। उसके अलावा बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में उनको नहीं जानते थे कि वो पंजाबी फिल्मों के भी एक्टर हैं और योगराज सिंह को सिर्फ इतना जानते थे कि वो युवराज सिंह के पिताजी। तो मैंने जिन एक्सपर्ट से बात की उनका यही कहना था कि इन आरोपों में कि योगराज सिंह ने के करियर को कपिल देव ने तबाह किया बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कपिल भारत के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो अपनी क्रिकेट खेलने में बिजी थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो योगराज सिंह का करियर खराब करते। इतना बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसके जो कि भारत का देश का कप्तान था, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, जिसके ऊपर पूरे करोड़ों देशवासियों की जो थी उम्मीदें लगी हुई थी, उनको क्या पड़ी हुई है कि वो योगराज सिंह का करियर खराब करेंगे? अगर योगराज सिंह इतने बड़े खिलाड़ी होते और देश के इतने बड़े बॉलर होते तो क्या वो सिर्फ 31st class मैचेस खेलते? उनकी परफॉर्मेंस के बाद जब उनको न्यूजीलैंड दौरे पे चांस भी दिया गया था एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था जिसकी वजह से उनको टीम में कंसीडर नहीं किया गया और इसकी वजह से एक जो लास्ट मौका उनको मिला भी था 1986 में उसमें भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे और फिर योगराज सिंह को आगे कंटिन्यू कर पाना शायद कपिल देव के लिए अगर वो कैप्टन थे या फिर सेलेक्टर्स के लिए भी आसान नहीं था। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस के लिए कोई जिम्मेदार है दोस्तों तो वो योगराज सिंह ही है। वो जरूर आरोप लगाते हैं कपिल देव के ऊपर लेकिन उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि कपिल देव एक वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर थे, एक वर्ल्ड क्लास कप्तान थे और योगराज सिंह उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। तो योगराज सिंह के जितने भी आरोप कपिल देव के ऊपर उन्होंने लगाए दोस्तों सब बेबुनियाद आरोप थे। शायद पब्लिसिटी का एक तरीका रहा हो, शायद उनकी खुद की खुन्नस रही हो या उनकी पर्सनल जलन रही हो। अगर योगराज सिंह इतने बेहतरीन खिलाड़ी होते तो कम से कम सिर्फ 30 first class मैच तो नहीं खेलते, कम से कम उनके पास 60 या 70 first class मैचेस जरूर होते। तो दोस्तों आज कहानी के सेक्शन में मैंने आपको बताया कपिल देव वर्सेस योगराज सिंह की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को NN Sports को एंड इस कहानी को शेयर जरूर करें।